हाई गाइज इस ब्यूटिफुल अबाया ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है फोर मीटर ऑफ कॉटन फैब्रिक तो यहाँ सबसे पहले हम बॉडी प्रिपेयर कर लेंगे जिसके लिए फैब्रिक को मैंने दो बार फोल्ड कर लिया है हमारी जो बॉडी की लेंथ होगी वो होगी फिफ्टीन इंचेस तो वन इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने सिक्सटीन इंचेस पे पॉइंट ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर शोल्डर हम रख रहे हैं सेवन इंचेस हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे क्योंकि गाउन इस तरह का गाउन होता है वो लूज़ होता है शोल्डर की लेंथ भी हमने रखा है सेवन इंचेस यहाँ से हमारा जो ब्रेस्ट है वो हमारा जितना भी साइज़ है उसे चार से डिवाइड करके टू इंचेस एक्स्ट्रा ले लें क्योंकि ये हल्का लूज होगा कमर के भी पे भी हम सेम मेजरमेंट करके इन्हें मिला लेंगे अब एक इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए यहाँ से हमने वन इंच लिया है आम होल के लिए और आमहोल पे कर्व शेप में ड्रॉ कर लूँगी अब इन सारी मार्किंग को मैं कट कर लूँगी यहाँ पर कंधे को भी मैंने आधा इंच नीचे डीप लिया है इन्हें ओपन करने के बाद अब हम नेक की कटिंग करेंगे नेक की कटिंग करने के लिए इससे पहले सबसे पहले हम हमारे आम होल जो है जो फ्रंट का आम होल है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा कट होता है तो हमने कट करके निशानी लगा दी सो दैट हमें पता चले ये हमारे फ्रंट का है अब इसे दोबारा से मैं फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ लेंथ मैंने रखा है फाइव इंचेस एंड विद रखा है तीन इंचेस जो लेंथ नेक की लेंथ है उसके सेंटर से मैंने एक पॉइंट ड्रॉ करके की वहाँ पर मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है और नीचे वी ड्रॉ किया है अब इन्हें मिला कर इसे कट कर लेंगे हमें इस तरह का नेक का शेप देना है क्योंकि सेंटर मैप में मैं एक टोरी अटैच करूँगी तो यहाँ पर हमने नेक डायरेक्टली कपड़े पे कट कर लिया है पर जो लेफ्ट लेफ़्टर हमारा कपड़ा होगा बचा हुआ कपड़ा उसे फ़ोल्ड कर कर जो हमने कट किया है उसे एज अ ट्रेस पेपर रख कर इसे ट्रेस कर लेंगे इसकी कटिंग और साइड से हम दो इंच एक्स्ट्रा लेकर इसे कट करेंगे ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें नेक को सीधा तरफ कपड़े को रख कर नेक को इसके ऊपर रख कर अटैच कर लेना होगा और किनारी भी मोड़ लेना होगा सेम इसी तरीके से मैंने बैक बैक का फैब्रिक रख लिया है तीन इंच चौड़ाई और जो बैक की लेंथ होगी वो हुई फोर इंचेस इन्हें जॉइंट करके कर्व शेप ड्रॉ करके इसे भी कट कर लेंगे एंड सेम स्टेप जो हमने फ्रंट के नेक के लिए किया था सेम इसके लिए भी करनी होगी हमें नेक की पट्टी बनानी होगी जिसके लिए हमने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे ले लिया है ट्रेस कर लिया है और एक इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसे भी कट कर लूँगी अब नेक के पीछे की ओर रख लूँगी और इसे सिलाई दे देंगे सबसे पहले तो किनारी मोड़ लेंगे फिर उसके बाद नेक इसके ऊपर रख कर हमें अटैच कर लेना होगा नेक को कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद अब हमें इसे पलट लेना होगा और पीछे की ओर से सिलाई दे देनी होगी तो यहाँ पर मैं इसे पलट लूँगी ये मेरा फ्रंट का नेक है और ये स्टेप सिर्फ फ्रंट की ओर करना होगा बैक की ओर नहीं करना होगा तो इसे पलट के मैं यहाँ पर नीट स्टिच दे दूँगी इस तरह से किनारे पे याद रखना हमें बैक पे ये स्टेप नहीं करना है तो हमने सिर्फ इज सिलाई दे दिया है अब फ्रंट पे मैंने डोरी लगा दिया था जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो सिंपली मैंने डोरी को अटैच कर लिया है वी नेक से आप कंधों को जोड़ लेना होगा तो दोनों पट्टी को एक के ऊपर एक रख के कंधों को जोड़ लेंगे सीधा कपड़ा सेंटर में होगा ऊपर और नीचे उल्टे साइड का कपड़ा होगा कंधों को जोड़ दिया है अब हम बैक की पट्टी दोबारा से पलट कर किनारे से सिलाई दे, दे देंगे इस तरह से हमारा नेक बहुत आसानी से बैठ जाएगा उसके बाद हमें बस तुरपाई देनी होगी स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को दो बार ही फोल्ड कर लिया है यहाँ पर मैंने टेन इंचेस पे एक पॉइंट ड्रॉ करके इसे कर्व शेप बना लिया है लंबाई मैंने रखा है बाईस इंच की यहाँ पर और फिर चौड़ाई जो हमने लंबाई के रखा है वो ज़्यादा रखा है क्योंकि स्लीव्स पे हल्का सा फ्लैर आएगा इसलिए यहाँ पर मैंने नौ इंच पे रखा है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है अब इन्हें हम मिला लेंगे ऊपर की ओर से मिलाने के लिए सेंटर पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है वहाँ से दो इंच अंदर लेंगे फिर दोबारा से कर्व शेप इस तरह से स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर हमने स्लीव्स कट कर लिया है सेंटर पर मैं एक निशानी बना लूँगी स्लीव्स को खोलने के बाद एक साइड पर आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर करके वहाँ भी निशानी लगा लेंगे क्योंकि ये हिस्सा हम आगे की ओर लगाएंगे इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स कट हो चुकी है अब स्लीव्स के बॉटम पर हम यहाँ पर ये इलास्टिक लगा लेंगे स्ट्रेच करते हुए और किनारी पे मैंने बिडिंग करा लिया है आप चाहें तो सिंपली फोल्ड भी कर सकते हैं इलास्टिक को, को लगाने के लिए हमने यहाँ पर पतली सी इलास्टिक लिया है जिसे पीछे से कपड़ा खींचते हुए हम अटैच कर लेंगे तो अच्छी चुनटे फॉर्म हो जाएगी और नीचे स्लीव्स पे काफ़ी अच्छा रफल लुक आएगा इस तरह से हमारी स्लीव्स का बॉटम दिख रहा है अब हम इन स्लीव्स को हमारे टॉप पे अटैच कर लेंगे जिसके लिए टॉप को सीधा तरफ ऊपर की और स्लीव्स को उल्टा तरफ ऊपर की और जो हमने निशानी लगाई थी वो आगे की साइड आनी चाहिए और यहाँ पर हम इसी तरह से स्लीव्स को जोड़ लेंगे स्लीव्स जोड़ने के बाद कपड़े को फ्लिप कर कर हमें साइड्स भी सी लेना होगा स्लीव से होते हुए बॉटम तक की हम साइड सी लेंगे अब हमें नीचे की घेरे की कटिंग करनी होगी तो जितना भी बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से क्योंकि कटिंग में आसानी होगी ऊपर मैंने दो इंच छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर कोई एम्ब्रॉयड्री नहीं थी और पंद्रह इंच पे मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किया है मेरी टोटल लेंथ है फिफ्टी फाइव इंचज़ पंद्रह इंच की बॉडी हो जाएगी तो मुझे टोटल फोर्टी फाइव चाहिए तो मैं ईच जो मेरी लेंथ होगी वो हमने रखा है पंद्रह पंद्रह इंच एक इंच एक्स्ट्रा ले, ले लेंगे सीम अलाउंस के लिए तो यहाँ पर मैंने हर फैब्रिक को कट कर लिया है पंद्रह पंद्रह इंच पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो जब मैंने स्लीव्स की कटिंग किया था तो बच गया था तो उसे मैंने रिमूव कर लिया है इसी तरह से हमें काफ़ी सारी पट्टियाँ मिल जाएगी क्योंकि मेरे ड्रेस का जो पन्हा था वो था सिक्सटी इंचज़ का इसी मुझे यहाँ पर चार लेयर मिल गए थे पंद्रह पंद्रह इंचज़ के तो मैंने इसे कट कर लिया है अब सिंपली आपको छोटी छोटी चन्नटें दे देनी होंगी ऊपर की ओर चुनौती देना भी काफ़ी आसान है आपको इसके लिए कोई भी अलग फुट की जरूरत नहीं है बस कपड़े को इस तरह गैदर कर दो और ऊपर से सिलाई दे दो स्टार्टिंग में शायद आपको ट्रिकी लगे बट धीरे धीरे जब आप करेंगे तो ये बहुत ईजी होता है इस तरह से आप प्लीज दे सकते कपड़े पे जो आखिरी का पट्टा था उसके नीचे की किनारी हम मोड़ लेंगे हमें सारे कपड़ों की किनारी नहीं मोड़नी होगी बस आखिरी के कपड़े की किनारी मोड़ लेंगे तो जो ऊपर वाली पट्टी होगी जितना हमारा कमर का मेजरमेंट होगा उतनी होना चाहिए जैसे हमारा कमर का मेजरमेंट हमने रखा था उतना ही हमने ऊपर चुन्नटे दे दिया है उसके नीचे भी जितनी चुन्नटे आपने सेकेंड लेयर पे आएगी उतनी आपको देनी होगी इसी तरीके से जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाए होता रहेगा फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर का और सेम इसी तरीके से मैंने इसे सिलाई भी दे दिया है अब बस साइड्स पे सिलाई दे, दे देंगे एंड ये हमारा ड्रेस तैयार हो चुका है काफ़ी क्विक एंड आसान था इसे बनाने के लिए इसका ट्यूटोरियल स्टिल अगर आपको बनाने के लिए कोई भी डिफिकल्टी होगी आप मुझे कॉमेंट डाउन करके ज़रूर से पूछें इस ड्रेस को आप हैज़ हाँ अ गाउन कैरी कर सकते हैं या आप हैज़ अ हिजाब ड्रेस कैरी कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा एंड इसका ट्यूटोरियल भी काफ़ी आसान था आई रियली होप आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें टिल दिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टिल द नेक्स्ट टाइम